अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी आमिना अजमत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे विद आमिना। इस टाइम पे मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे मैं पहले कभी भी नहीं आई, शायद घर की कोई जरूरत खींच के मुझे यहाँ पे ले आई है। तो मैंने चाहा कि मैं इसको एक्सप्लोर करूँ, मैंने यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की और मुझे इनकी क्वालिटी बेहद पसंद आई। मेरे घर वालों ने बहुत तारीफ की, हमारी जो फ्रिज है ना हमने इधर से ली। ठीक है, अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ कि मैं हूँ कहाँ पे इस टाइम पे। पंजाब सोसाइटी जो कि DHA के बिल्कुल साथ है, पैकेजेस मॉल को आप जो ही क्रॉस करते हो तो साथ ही ये सोसाइटी आती है। दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप का नाम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे TV, पनीनी मशीन, ये वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे फ्रिज है, बहुत अच्छा इम्पोर्टेड सामान है यहाँ। तो मैंने सोचा कि अगर एक अच्छी चीज मेरे घर में आने से मेरे घर वाले खुश हो चुके हैं, मेरी सिस्टर, मेरी मदर, मेरे घर वाले बहुत खुश हैं कि एक अच्छी चीज हमने ला के घर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी ये मैंने कहाँ से ली, कितने के लिए और सारी इंफॉर्मेशन जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता होनी चाहिए कोई भी चीज खरीदने से पहले। तो चलिए हम बात करते हैं इस शॉप के ओनर से भी, उनसे एक एक चीज आपके सामने यहाँ पे डिस्क्राइब होगी। यहाँ पे सबसे बड़ा जो फायदा ये है इनकी चीजों का, ये इम्पोर्टेड माल है यार। अलफतेह पे आप जाते हो, आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स की शॉप पे जाते हो यही चीजें लेने के लिए और वो लोग आपको लाखों में ये चीज दे रहे हैं, तो हो सकता है कि इस शॉप पे आपको ये चीजें सस्ती मिल जाए। तो ये है आपका फायदा मेरे आज के ब्लॉग में। तो चलिए बात करते हैं इनसे। जी तो हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद है दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जो कि इस पूरे प्लाजे के मालिक हैं और ये जो सारा सामान आप देख रहे हैं ये यही सेल करते हैं इम्पोर्टेड सामान। तो इनसे हम इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लेना चाह रहे हैं क्योंकि इनको बेहतर तरीके से पता है कौन सी चीज ये कहाँ से लेते हैं, कितने की लेते हैं, कितने की बेचते हैं और कितना चूना लगा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम औरंगजेब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। मैं भी ठीक ठाक। औरंगजेब, मैंने आपसे फ्रिज ली और मैं तो फैन ही होगी, मेरी फैमिली भी फैन होगी, मैंने सोचा मैं अपने फैंस को भी फैन कर दूँ आपका। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। असल में हम लोगों का होलसेल का काम है और हम लोग सारी इम्पोर्ट की चीजें यहाँ पे लाके सेल करते हैं और बहुत स्लाइटली मार्जिन के साथ। और आपको दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्पेशल डिस्काउंट हम क्या दे रहे हैं वो भी हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये पंजाब सोसाइटी मतलब एक देखा जाए तो DHA की निस्बत थोड़ा कम मतलब मोटिवेटेड एरिया है, ये जरा कम तरक्की याफ्ता है DHA की निस्बत। पैकेजेस मॉल से, हाइपरस्टार से चीजें लोग क्यों ना लें, क्यों आपकी तरफ आए? क्योंकि बिल्कुल आपके पास है पैकेजेस मॉल। तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ये पनीनी मशीन लेना चाह रही हूँ, ठीक है, तो आप मुझे ये कितने में देंगे और इसके क्या फायदे हैं? देखिए, पनीनी मशीन की तो अगर बात करें तो ये हीटर ब्रांड है और ये मेड इन जर्मन है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी अपने पास बात करें तो हमारे पास इसकी प्राइस है 10,000 और अगर हम बात करें किसी ब्रांड के ऊपर पड़ी होगी तो इसकी कीमत होगी 18 से 19 हज़ार, तो 8 से 9 हज़ार रुपये का तो आपको एक डिस्काउंट एक पनीनी मेकर में मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये 180 एंगल पे मूव करती है, ओपन होती है, आप इसकी दोनों साइड के ऊपर आप एट ए टाइम आप बेकिंग कर सकते हैं, बेशक वो चिकन हो, बीफ हो, ब्रेड हो या कुछ भी हो, आप इसके ऊपर आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ एयर फ्रायर, ये एयर फ्रायर मतलब हवा के साथ खाने में पक जाते हैं? बस ये कुछ इस जर्मन टेक्नोलॉजी है, ये हॉफमैन इसका ब्रांड का नाम है, ये मेड इन जर्मन है, ये एयर से अंदर से सारी लेता है और उसको खाने को कुक करता है। 7.7 लीटर इसका साइज है, जर्मनी का बना हुआ है, टोटल टच पैनल है। आप इसके अंदर बीफ हो गया, चिकन हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्राइज हो गया, कुछ भी आप इसके अंदर कुक करना चाहे बगैर ऑयल के आप इसके अंदर आप कुक कर सकते हैं। अच्छा, बगैर ऑयल के? जी अच्छा, बिल्कुल। एक नॉन स्टिक जो पैन है उसमें भी तो हम बिना ऑयल की चीजें बना सकते हैं ना? लेकिन उसके अंदर हम यूज करते हैं ऑयल, इसमें तो 0.1% भी ऑयल यूज नहीं होता। अच्छा, भाई डाइटिंग वाले लोग बिल्कुल आ जाए इधर से। सोमवार से इतवार तक, इतवार से सोमवार तक, सारा टाइम जब भी बर्तन होते हैं गंदे किचन में तो खवातीन को एक ही परेशानी होती है यार, बर्तन धोने हैं, बर्तन धोने से हाथ खराब हो जाएंगे, ग्लव्स भी यूज करती हैं, डिफरेंट लोशंस भी यूज करती हैं, फिर भी हाथ हो जाते हैं खुरदरे। जैसे कि मैं हूं ना, तो मैं भी मतलब घर में काम करती तो हूँ लेकिन दिल कहता है कि बर्तन ना धोने पड़े यार। अच्छा, कि बर्तन धोने से कोई जान छुड़वा सकता है मेरी प्लीज? बिल्कुल, उसकी भी एक बड़ी जबरदस्त मशीन हमारे पास है और कंपनी का नाम है बॉश और टेक्नोलॉजी उसकी डिश वॉशर। इसके में कोई भी चम्मच हो, कोई भी बर्तन आप इसके अंदर डालें
और इसके अंदर आपको विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपको बर्तन जो से वो वॉश होके आपके रेडी हो जाते हैं। अच्छा, इसमें हमने बर्तन रखा जी, बस वो वॉश हो जाएगा, इसमें कोई सरफ सरफ जी बैग पे इसके जी इसके अंदर ऑप्शन दी गई, आप इसके अंदर लिक्विड डालें तो ये खुद ऑटोमेटिकली वाटर लेगी, ऑटोमेटिकली लिक्विड लेगी, लिक्विड लेके ये ऑटोमेटिकली इसको वॉश करेगी। अच्छा, इसमें जो वाटर है वो कहाँ से ऐड करना? वो तो इसके बैक के ऊपर पॉइंट जी बिल्कुल पॉइंट दिया हुआ, उस पॉइंट को आप अपने नल के साथ जो सा वो अटैच करें तो ये ऑटो ही सारा मैनेज करेगी। मतलब एक प्लेट मैंने रखी उसको बिना हाथ लगाए बिल्कुल बिल्कुल आपको देगा। वाओ, अमेजिंग यार, बर्तन धोने से जान छूट सकती है, है कितनी? अगर तो हम इसकी मार्केट प्राइस बात करें तो मार्केट प्राइस है इसकी 1.5 लाख, लेकिन हम लोग इसके ऊपर फ्लैट 50% ऑफ करके दे रहे हैं 85,000 की। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 85,000 यूज करें और अपने हाथों की बिल्कुल हिफाजत करें, अपने हाथों की बिल्कुल हिफाजत कर ले, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, अभी मैं देख रही थी यहाँ पे कोई रोटी मेकर भी है। ये बिल्कुल हमारे पास एक हीगर का ब्रांड है, जिस तरह की आपको पहले बताया ये जर्मन ब्रांड है, ये रोटी मेकर भी है और प्लस ये पिज्जा पैन भी। अगर तो हम इसकी प्राइस की बात करें, प्राइस है इसकी 8,000 हमारे पास और इसकी ऑफिशियली वैसे इसकी प्राइस है 13,000, तो हम लोग इसके ऊपर भी हमने अच्छा खासा डिस्काउंट निकाला हुआ है। और इसी तरह हमारे पास मीट ग्राइंडर्स हैं, फूड फैक्ट्रीज हैं, चॉपर्स हैं, LED TVs हैं, मजीद और सादी फूड फैक्ट्रीज भी हैं। तो इस तरह करके हमारे पास घर की हर वो चीज अवेलेबल है जो घर के अंदर यूज होती है। गाइस, इस टाइम पे मैं जिस प्रीति के साथ मौजूद हूँ, वैसे ना मैं हमेशा कहती होती हूँ मैं जिस पर्सनालिटी के साथ मौजूद हूँ, आज मेरी जो फेवरेट पर्सनालिटी है वो मेरी फ्रिज है, इसी तरह की हमने ली है। जी ऑरेंज साहब, ये हमें गाइड कीजिएगा कि ये जो हायर की फ्रिज है इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्यों ये वाली फ्रिज है? असल में एक तो इसमें कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, सेकंड नंबर पे इसका फ्रिज ऊपर है, डिफ्यूजर नीचे है और इसके अंदर बने हुए सेक्शन बॉक्सेस बने हुए हैं। उस बॉक्सेस के अंदर आप अपनी मर्जी की जिस बॉक्स में जो चीज़ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। सेकंड नंबर पे इसके अंदर हर बॉक्स का एक अपना टेम्परेचर है, अगर आप किसी भी बॉक्स की किसी भी सेक्शन की अगर आप कूलिंग इसकी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो एक तो आप वो भी कर सकते हैं। प्लस सबसे ज़्यादा इसके अंदर तो एक तो लगा हुआ है कूल वेंट, अगर आप हफ्ते के लिए या 5 दिनों के लिए या 3 दिनों के लिए आप लाहौर से बाहर जाते हैं तो वो भी फंक्शन इसके अंदर है, वो भी ऑटोमेटिकली इसको खुद मैनेज करता है। हाय गर्ल्स, ये चीज तो सिर्फ आपके लिए है, बॉयज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बॉयज जो होते हैं ना वो कपड़े धोने के मामलात में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाते, थोड़े से बर्तन धो लेते हैं अक्सर। मेरे पास मेरे लेफ्ट साइड पे इस टाइम पे बहुत प्यारी सी वॉशिंग मशीन है, मैं तो इस पे आशिक हो गई। ये आप देख सकते हैं कि मैं इस पे देखे ओपन कर रही हूँ, हाउ लग्जूरियस इज दिस ना। तो ये कंपनी का नाम है इसका हाय, ये हायर की DC इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये कि एक तो ये टोटली टच पैनल में है, सेकंड नंबर पे DC इन्वर्टर है, थर्ड नंबर पे ये फ्रंट लोडेड है, फोर्थ नंबर पे ये बिल्कुल साउंडलेस है, आप इसको बेडरूम में लगाएं, किचन में लगाएं या घर के किसी भी कोने में आप इसको लगाएं। सबसे बड़ा जो फीचर इस वॉशिंग मशीन का है वो ये है कि ये कपड़े 99% ड्राई करके निकालता है, तुर्की है, बाहर से इम्पोर्ट की गई है। मुझे आपसे ये पूछना है कि आप हर चीज जर्मनी, टर्की और यूके वगैरह से ला रहे हो, आप चाइना से क्यों नहीं लेते? लेकिन हमारे यहाँ पे एक साइकी बनी है कि मैं यार मेडिंग चाइना ना लिखाओ, चाइना की चीज ना, लेकिन मैं चाइना के साथ भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ LEDs वगैरह में। लेकिन जितनी ये होम अप्लायंसेस की बाकी चीजें जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फूड फैक्ट्रीज हो गई, फ्रिजेस हो गए, ये मैं कोशिश होती है कि मैं दूसरी कंट्रियों से इंपोर्ट करूं, लोगों की डिमांड के ऊपर एक्चुअली हम लोग बिजनेस करते हैं। जी, तो बात हो रही थी गर्मियों की एसी से बचने की, क्योंकि मेरे नर्व्स जो है ना वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं है कि मैं एसी की हवा जो है उसको बर्दाश्त कर सकूं। जी, ये एक्चुअली ये एक एसी की तरह का एक चिलर है, लेकिन टेक्नोलॉजी इसके कूलर वाली है। अगर इसकी हम बिजली की बात करें तो पंखे जितने ये बिजली कंज्यूम करता है, ठंडक जी बिल्कुल, और ठंडक देते हैं आपको एसी जितने। और अब मुझे जरा ब्रीफली बताइएगा कि आपके पास और कौन कौन सी चीजें जो आप बताना चाहते हैं लोगों को, जो कि आपके पास दूसरों की निस्बत अच्छी है। अगर तो हम बात करें इन अप्लायंसेस की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास किचन की हर अप्लायंसेस अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारे पास नॉनस्टिक पाउडर कोटेड के सेट्स हमारे पास अवेलेबल है, हर किस्म का सिंगल डबल पूरी पूरी फूड फैक्ट्री जूसर ग्लेंडर ब्लेंडर मसाला चूल्हे तक हमारे पास स्टोव तक अवेलेबल है, हुड्स भी अवेलेबल है जो चूल्हे के ऊपर लगते हैं जो हवा को पूरा सक करते हैं, आयरन स्टैंड स्ट्रेटनर वैक्स मशीन ईच एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। कोई ऐसी इम्पोर्टेड चीज जो हमारे ऑनलाइन क्लाइंट लेना चाह रहे हैं
तो वो प्लीज हमारे नंबर पे हमें कॉल करें। बिल्कुल, ऑरेंज जेड साहब का मैं नंबर दे रही हूँ जो कि इनकी शॉप का भी नंबर है, आप इस नंबर पे रابطہ करके मजीद इनसे डिटेल्स ले सकते हैं या आपको डिटेल्स मुहैया करेंगे। आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये डिटेल्स चाहिए, आपको डिटेल्ड पे पिक्चर्स पे मिलेंगे उस चीज की और साथ में आपको डिटेल्स पे मिल जाएंगे और आप 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे जो ही आप इनसे शॉपिंग करेंगे। इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाजत। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें इस्तेमाल कर सके, डिस्काउंट ले सके मेरा नाम लेके। नाम तो जानते ही होंगे, अमिना अजमत। देखते रहिए स्टे विद अमिना। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।